हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू ऑफ केमिस्ट्री। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है स्पेशल फॉर 12th क्लास के बच्चों के लिए है और जिन्होंने बीएससी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट ऑनर्स रखा है, सेकेंड ईयर है, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर मैं तुम्हें बताऊँगा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो वो कंपाउंड हाई स्पिन बनाया गया या लो स्पिन बनाया गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया गया या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बारे में बनाया गया, वही बारे में इस वीडियो पर बातें करेंगे। दोस्तों, मैंने इस चैनल का नाम जादू ऑफ केमिस्ट्री क्यों रखा है तुम अंदाज़ा लगा सकती हो। फार्मूला को याद रखना कि स्पिन का जो फार्मूला होता है ना, स्पिन एस इक्वल टू हाफ ऑफ एन ए, वेयर एन ए इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और एक बात, ये वीडियो देखने से पहले तुम्हें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे पता होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड के बारे में पता होना चाहिए। एक कंपाउंड दे रखा है और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल हो सकता है और ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक हो सकता है और हेक्सागोनल प्लानर भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है हमारे कोर्स में नहीं है, नेट गेट के बच्चों के लिए है। तो हम खैर सिर्फ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे बातें करेंगे। पहले तुम ये जान रखो कि अगर एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड आता है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आता है ना, वो पेयरिंग करवाता है, तो n-1 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन। सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर लिगेटेड सिस्टम। अगर वीक फील्ड लिगैंड आता है ना, देयर इज नो पेयरिंग। सो एन डी ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड हाइपोलिगेटेड। ठीक है दोस्तों, चलिए बातें करते हैं डी जीरो सिस्टम के बारे में। अगर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन में डी जीरो यानी डी ऑर्बिटल में देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर क्या बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल ही है। ठीक है, अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आता है और यहाँ पर अगर लिगैंड बल्की ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, इस तरह का ऑर्गेनिक बल्की ग्रुप आता है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा d5s। ठीक है, एग्जाम्पल है जी, ये टंगस्टन कंपाउंड है, यहाँ पर 6 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, बल्की ग्रुप है, इसीलिए वो ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक कंपाउंड बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। और एक एग्जांपल, यहाँ पर जिरकोनियम है और 6 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और एग्जांपल भी यहाँ पर दे रखा है, मोलिब्डेनम के साथ है, 6 मिथाइल ग्रुप। तो चलिए दोस्तों, और ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, अगर लिगैंड बल्की ग्रुप नहीं होगा, ऑर्गेनिक बल्की ग्रुप नहीं होगा, तो यहाँ पर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और स्ट्रक्चरल तो ऑक्टाहेड्रल है। फॉर एग्जांपल हेक्सा एक्वा स्कैंडियम की प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो चलिए dy कंपाउंड दे रखा है और उसकी कॉम्प्लिकेशन में d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। इस केस में एनी लिगैंड आ जाए, जिस तरह का लिगैंड आ जाए, वीक लिगैंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हमेशा d2sp3 होगा और ये हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, अगर लिगैंड कितना होगा? 6 लिगैंड होगा। तो ठीक है, चलिए और एक बात इंपॉर्टेंट बात है, d4 से लेकर d7 कॉम्प्लेक्स है, अगर ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसकी डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 6 है और 7 है। इस केस में दो पॉसिबिलिटी है, अगर वीक फील्ड लिगैंड आता है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा,
और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आता है, यहाँ पर पेयरिंग होगा, ठीक है। पेयरिंग अगर होगा तो इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडेशन होगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये जो सिस्टम होगा ना लो स्पिन होगा। और डी एट से लेकर डी टेन तक, डी अगर डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 9 है और 10 है, यहाँ पर अगर जिस तरह का लिगैंड आ जाए, एनी लिगैंड आ जाए, 6 लिगैंड अगर होगा, यहाँ पर sp3 d2 हाइब्रिडेशन होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये हाई स्पिन सिस्टम होगा, ठीक है। d8 इलेक्ट्रॉन अगर यानी डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह का जो जो मेटल है ना, निकेल में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकेल के ऊपर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगन और वीक लिगन लगा दो, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और D9 सिस्टम के बारे में अगर बातें करेंगे, कॉपर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर जिस तरह का लिगन यहाँ पर लगा दो, हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगन और वीक फील्ड लिगन है, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन होगा। इस तरह D10 भी ऐसा ही कुछ है। D10 की एग्जाम्पल क्या है, कॉपर प्लस वन ऑक्सीडेशन एंड जिंक प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जिस तरह का लिगन लगा दो, हाई और सॉरी वीक लिगन लगा दो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगन लगा दो, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखा है, अगर तुम चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकती हो। D1 सिस्टम की जो एग्जाम्पल है, टाइटेनियम के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल है और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में टाइटेनियम। और D2 के बारे में बात करें अगर, यानी डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैनेडियम के साथ ये जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, और D3 सिस्टम के वैनेडियम के साथ हेक्सा वाटर मॉलिक्यूल और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट D3 सिस्टम के, ठीक है। D4 के बात करेंगे, क्रोमियम के साथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लगा है तो सियानाइड अभी लो स्पिन बनाएगा, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर हाई स्पिन और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल वीक फील्ड लिगैंड है, यहाँ पर सियानाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। और ऐसे ही मैंने और एग्जांपल दे रखा है D5 के, D6 के, और भी तुम बहुत सारे एग्जांपल बुक में पा जाओगे, तो बुक में सर्च करके पा जाओगे और नहीं तो इंटरनेट में ही सर्च करें। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा, डिटेल स्ट्रक्चर जो, ये तुम्हें तो पता ही होगा, ठीक है।